लेकिन टाइम नहीं था इसलिए इन लोगों ने किया नहीं दैट इज दोल अगेन आई विल से आपने डेफिशिएंसी तो बता दी लेकिन इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा वो नहीं बताया तो आते हैं थोड़े से बेटर आंसर पे तू बी परफॉर्मड लेकिन टाइम नहीं था इसलिए इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया अब बच्चे ने लिखा कि इसकी वजह से एरर्स हो सकते हैं रिकॉन्सिलियन नहीं हुआ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो एरर हो सकते हैं किस में सैलरी में इनवेंट्री नहीं, 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 नहीं। में अरे नहीं नहीं यार मशीनरी में अरे किस में एरर हो सकते हैं भाई तो ध्यान ये रखना आपके आंसर में क्लियर कट एग्जामिनर के सारे क्वेश्चन मीट होने ऑटोमेटिकली आंसर होने चाहिए दैट मीन यू हैव टू आंसर दिस कि अगर बैंक रिकॉन्सिलियेशन नहीं बना बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ टाइम नहीं बनाया इन्होंने इसकी वजह से क्या होगा एरर्स होंगे किस चीज में एरर्स होंगे जो कैश बुक होगी वो इनकरेक्ट दिखेगी उसमें मिस स्टेटमेंट होगा और कैश और बैंक के फिगर्स टैली नहीं होंगे यानी आप क्लियर कट बता रहे हैं ना कि अगर बैंक रिकॉन्सिलियेशन नहीं बना तो उससे एरर्स होंगे एरर किस चीज कैश के बैंक के उनके बैलेंसेस मैच नहीं होंगे आपको बताना है नाउ एज एन ऑडिटर रिकमेंड करो भाई तो अब आप एक रिकमेंडेशन देते हो यार बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं बनाते बना लो एज पर this दिस इज poor आंसर अब एक्सप्लेन करो रिकॉन्सिलियेशन बना लो कितने बनाए डेली के बनाए वीकली बनाए मंथली बनाए एनुअल बनाए कुछ तो क्लैरिफाई करो मान के चलो कि क्लाइंट को इस बारे में नहीं पता तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यू हैव टू आंसर दिस इन दी रेकमेंडेशन तो बेटर रिकमेंडेशन विल बी यार वीकली तो बनाओ कम से कम अब इससे भी अच्छी अगर रिकमेंडेशन देनी है वीकली बनाओ और एक इंडिपेंडेंट बंदा बनाओ यानी बिल्कुल एक थर्ड पार्टी बनाओ जो कैश बुक नहीं करता हो और इसको रिव्यू भी कराओ यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को रिव्यू भी कराओ जो कैश बुक खुद बना रहा है ना अगर वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा तो वो एग्जैक्टली exactly कई सारे एरर्स छोड़ सकता है देर आर वेरी मच चांसेस इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट ही मे एक्चुअली लीव सम आइटम्स बिकॉज एज पर हिम

वट इज द मॉरल ऑफ दि स्टोरी इफ यू आर हाईलाइटिंग कोई कंट्रोल डेफिशियं है ऑलवेज टेल की उसका इम्पैक्ट क्या होगा बी स्पेसिफिक इम्पैक्ट किस पे होगा और ये भी बता सकते थे कि ये कैश और बैंक बैलेंस पे इम्पैक्ट जो आएगा इनके बैलेंसेस पे ये मैच नहीं होंगे ये नेक्स्ट पीरियड तक भी चलता रहेगा बिकॉज जब यहीं पर मैच नहीं हुआ है तो वो क्यूमुलेट होकर आगे भी चलेगा और इस पर जो अब आप रेकमेंडेशन देंगे ऑलवेज रेकमेंड